दोस्तों, धर्मशाला भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ा जिले में स्थित एक नगर है। यह जिले का मुख्यालय भी है। धर्मशाला भारत का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। धर्मशाला वैश्विक दर्शकों के लिए भारतीय धर्म और तिब्बती बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र है। यह तिब्बती बौद्ध धर्म और संस्कृति के लिए बड़ा केंद्र होने के साथ साथ भारतीय धर्म के श्रद्धालुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा धर्मशाला एक बहुत ही खूबसूरत नजारों वाला स्थान भी है, जहां पर्वतों के दृश्य, प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का माहौल है। इसलिए धर्मशाला एक आकर्षक पर्यटक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। मैं हूं पोषण कुमार और आप देख रहे हैं आपका चैनल मेरी आवाज बाय पोषण। आज हम आए हैं धर्मशाला, तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए जरूर देखें। तो गाइस, हम निकल चुके हैं डलहौजी से। आज हम निकल रहे हैं धर्मशाला के लिए। सुनने में आया कि वहाँ बारिश हो रही है। डलहौजी का प्लेस बहुत अच्छा है, आप जरूर यहाँ विजिट करें। और साथ साथ हमारे साथ मनप्रीत भाई हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं। ये हमारे साथ हैं मेंटर, हमारे गाइड। जरूर आप इनके साथ आएँ, आपको एवरी पॉइंट्स आपको टच कराया जाएगा। और गाड़ी ड्राइविंग A1 है, 5-स्टार रेटिंग के साथ में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छी ड्राइव कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल के साथ ड्राइव कर रहे हैं। दोस्तों, हिमालय की हसीन वादियाँ और प्राकृतिक सुंदरता तन मन को शीतल करने वाली ठंडी पवन के आकर्षण में पर्यटक बरबस ही यहाँ खींचे चले आते हैं। बर्फ से ढकी हुई पहाड़ों की चोटियां आंखों के सामने ऐसा मनमोहक नजारा पेश करती हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। हिमालय की धौलाधार पर्वत श्रृंखला में बसे हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला ऐसा ही पर्यटक स्थल है। एक बार यहाँ आने वाला व्यक्ति ताउम्र यहाँ के अनुभव भी नहीं भुला पाता। कांगड़ा घाटी में देवदार, चीड़ और पाइन के वनों में बसा धर्मशाला एक सुरम्य, शांत और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। धर्मशाला में 1959 में बौद्ध गुरु दलाई लामा अपने हजारों अनुयायियों के साथ तिब्बत से आकर यहां बस गए थे। दोस्तों, हम आए हैं वॉर मेमोरियल। देश को बचाने के लिए लड़ने वाले शहीदों को सम्मानपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए युद्ध स्मारकों की स्थापना महत्वपूर्ण है। स्मारकों में से एक धर्मशाला का युद्ध स्मारक है। पूरे प्यार और सम्मान के साथ 1947-48, 1962, 1965 और 1971 के वीरों को यहाँ के शानदार चीड़ के जंगल में जगह मिली है। स्मारक की अनूठी बात यह है कि सभी शहीदों का नाम प्राकृतिक रूप से पेड़ों और बगीचों से घिरा हुआ है। ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये है कांगड़ा फोर्ट। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश राज्य में कांगड़ा के बाहरी इलाके में स्थित कांगड़ा किला अपने शासकों की भव्यता और समृद्धि और कई आक्रमणों का साक्षी है। यह हमारा ट्रिप का धर्मशाला ट्रिप का पहला दिन है। जर्नी में काफी समय हो गया और धीरे धीरे हम एक मंदिर गए, ब्रजेश्वरी माता के मंदिर गए थे। काफी पुराना मंदिर, वो भी 300 सदी पहले की मंदिर है, शक्तिपीठ है और कहते हैं कि वहाँ भी मान्यताएं पूरी होती हैं। यह भारत का सबसे पुराना किला है और कचोट राजवंश की राजगद्दी रहा है, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने राजवंशों में से एक माना जाता है। यह मांझी और बाणगंगा नदियों के बीच धौलाधार पर्वत श्रृंखला की गोद में एक चट्टान पर खड़ा है। चूंकि यह किला आक्रमणकारियों और प्रकृति के कहर से गुजरा है, इसलिए वर्तमान में यह अपने मूल रूप में मौजूद नहीं है। इसका तह दर तह इतिहास, इसकी राजनीतिक विरासत, सामरिक स्थिति और वास्तुकला
प्राचीन भारत के गौरव की एक झलक प्रदान करते हैं। दोस्तों, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यह किला वैसे तो यह खंडहर में तब्दील हो गया है, लेकिन समय बीतने के बावजूद इसकी विरासत की भव्यता कम नहीं हुई है। एक ओर तो यह किला बीते हुए युग की समृद्धि और भव्यता की याद दिलाता है, तो दूसरी ओर इसकी महानता, पुरातनता अभी भी इतिहास के पारखी लोगों को विरासत और संस्कृति का समृद्ध खजाना प्रदान करती है। ये झरना, आवाज आप सुन ही पा रहे होंगे झरने की, बहुत तेज। सीन है यहाँ पर जोर लगा के। दोस्तों, आप एक एडवेंचर करने जा रहे हैं, शिलता जी जिप लाइनर करने जा रही हैं, और ये हम, जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे बहुत अलग अलग एडवेंचर्स के कैंप हैं, चाहे तो आप आकर के वो भी कर सकते हैं। बस एक पैराशूट राइडर नहीं हो पाया हमारा, हम गए जरूर थे लेकिन वो हो नहीं पाया। श्री रेडी, बस पैर को ऐसे क्रॉस करके चले जाना, हो जाएगा। और अब उनकी वापसी होने वाली है, वहाँ से वो वापस होंगे। ब्रेक 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 ब्रेक, अब नहीं होता ब्रेक। आउच, ओ माय गॉड, मजा आ गया। कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो ये था जिप लाइनर। Thank you.
दोस्तों, आपने जो म्यूजिक सुना वो रावण था, इस तरह का लोकल वाद्य यंत्र है और ये बजा रहे हैं रावण था। बहुत ही सुंदर। तिब्बतियों का मंदिर जा रहे हैं। हम स्ट्रीट फूड कुछ टेस्ट कर रहे थे, तिब्बतियन मोमो खाए हैं जो कि इडली जितना बड़ा था। हाँ, काफी बड़ा था, इडली जितना बड़ा था, बट काफी अच्छा था। मैदा से नहीं बना था, हेल्दी भी था। टेस्ट करने वाले हैं जो कि तिब्बतियन डिश है, बहुत ही फेमस कुजीन है जो सिर्फ यहीं पे हमें मिल रहा है। अभी हम रोड वे के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं और शशि जो है वो लाइन बनाकर खड़ी हुई है, रोड वे का टिकट ले रही है और यहाँ से हम रोड वे में जाएंगे। शशि टिकट ले चुकी है, अब हम जा रहे हैं रोड स्काई वॉक की ओर। बताई गई 1.75 वो हम आना जाना दोनों करेंगे।